हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये ब्लॉग हम कार से इसलिए स्टार्ट करें क्योंकि एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ट्रिप अभी स्टार्ट हुई है, तो हम उसके लिए निकल रहे हैं। और मैं, मम्मा और पापा साथ में जा रहे हैं। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमें पता नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि दो तीन जगह है और हमें आइडिया नहीं है कि अभी वो जगह मतलब ओपन है या नहीं है। तो हमने सोचा कि निकल लेते हैं, जो अगर रास्ते में देख लेंगे वरना कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा अच्छी जगह। तो उस सब का हमने प्रिपेयर कर लिया, तो अब हम निकल रहे हैं। मम्मा आ चुकी है, पापा भी आ चुके हैं, तो ये रोड ट्रिप स्टार्ट करते हैं। और अनएक्सपेक्टेड रोड ट्रिप है लेकिन एक्सपेक्टेड यहाँ पर सारे सरप्राइजेज होंगे, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। मौसम वैसे तो बादल हो रहा है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है और 38 डिग्री अभी से हो रहा है। और बहुत दिनों बाद हम हमारी गाड़ी में निकल रहे हैं, तो मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। काफ़ी दिनों बाद हम इसको चला रहे हैं, इतने दिन मैं अपनी दादाजी की गाड़ी चला रहा था और मम्मी पापा देख रहे हैं, तो अब हम निकलते हैं। दोनों पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। और ये हमारे ये पापा आ चुके हैं। आज मैंने इनको पर्सनली बोला है कि व्लॉग में बोलना है, तो बोलोगे ना? बिल्कुल बोलने का। आज पहली बार पापा ने इतनी मस्त बात बोली है। तो मम्मा आ चुके हैं, सब हम एक्साइटेड हैं, निकलते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है गाइस, और आज हमारा ट्राइपॉड भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो देखते हैं। ये हमारे आ चुके हैं। अरे बस बस, तो आज ट्राइपॉड का भी यूज़ पता चल जाएगा कि काम का है या नहीं है। तो अब अपन पहले सबसे महंगी चीज़ जो अभी हो चुकी है वह पेट्रोल, वो फिल करवाते हैं, फिर रोड ट्रिप पर निकलते हैं और फिर आपको ढेर सारी अच्छी अच्छी जगह बताते हैं, ठीक है? A few moments later. गाइज, हम पेट्रोल भरवा रहे हैं अभी। रेट क्या है पेट्रोल का? 118 राजस्थान में, जो कि बहुत महंगा है। और एवरेज हमारी गाड़ी दे रही है, अभी देखते कितने का एवरेज है। अभी तक 13.7 का है पहले का, तो देखते आगे ट्रिप पे कितना एवरेज देती है। कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा निकालने की, जो कि निकलेगा नहीं, गर्मी में एसी चलता है वैसे भी। हीरा लग रहा है यार, लग रहा ना? अरे ना, मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। 2000 years later. तो गाइस, गाड़ी पेट्रोल फिल करवा लिया हमने और हमारी रोड ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है। फेवरेट चश्मा हमने लगा लिया है। और एक चीज अभी मैंने बहुत ही मतलब यूनिक सी फील की, यूनिक कि इतने दिन से मैं स्विफ्ट चला रहा था और आज मैं होंडा पे वापस शिफ्ट हुआ हूँ, तो मेरे को इतना मतलब अजीब लग रहा है ना गाड़ी चलाने में, क्योंकि इसकी क्लच और इसकी स्टेयरिंग बहुत ही मक्खन जैसी है। इतना लाइट फील हो रहा था, लग रहा है गाड़ी स्टार्ट ही नहीं है और मतलब फील ही नहीं आ रही है कि गाड़ी ऑन भी है नहीं, बहुत मक्खन जैसे चल रही है हमारी गाड़ी। गजब बेइज्जती है, क्योंकि ये डैशबोर्ड पे मैंने लगा दिया इसको। और आज हम ट्राइपॉड की भी टेस्टिंग कर रहे हैं, इसको भी हमने सेट कर दिया है। बहुत मतलब मुश्किलों से हुआ क्योंकि मैंने अभी तक इसमें ट्राई नहीं किया था। तो मैं बता देता हूँ हम जा कहाँ रहे हैं। तो बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड वे में ये स्टार्ट हुआ। हम पहले डाइसी थे कि जाए नहीं जाए, फिर मैंने बोला कि हाँ चलो चलते हैं, फिर पापा ने भी बोला, फिर मम्मा भी मान गए। तो हम अभी अजमेर और किशनगढ़ की तरफ जा रहे हैं। उसके बीच में एक जगह है जो कि कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, जो भक्तिभाव मतलब थोड़े जुड़े हुए हैं, धार्मिक से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को पता होगा। बाकी मैं बता देता हूँ कि हम अभी जा रहे हैं मतलब जो जगतगुरु है निम्बाग पीठ जो हमारी है सलीमाबाद में, वहाँ जा रहे हैं हम। तो पहले हमारा डिसाइडेड कुछ नहीं था, तो एकदम से प्लान बना, तो हमने सोचा चलते हैं। और उसके आगे हम आगे नारेली जाने का भी सोच रहे हैं, वहाँ का नाइट का व्यू भी अच्छा आता है। तो आप लोगों को नारेली का भी अच्छा सा व्यू बताएंगे, और मैं वहाँ बचपन में गया था तो कुछ बचपन की यादें भी ताज़ा करेंगे। इसलिए पापा, मैं और मम्मा, उस वक्त भी पापा मम्मी में थे, मेरे कुछ और भी फ्रेंड्स थे लेकिन वो अभी है नहीं। तो हम लोग वापस जा रहे हैं, और मैं जहाँ मैंने बचपन में पहले फोटोज क्लिक करवाई थी वहाँ पर मैं वापस जाके क्लिक करवाना चाहता था कि आप लोगों को बताऊँ। तो बस चलते हैं, बहुत ज़्यादा अभी गर्मी है लेकिन रोड अब फाइनली खाली हो गई, तो हम जल्दी जल्दी जा सकते हैं। इतनी देर तो हम ट्रैफिक में फंसे हुए थे और 41 डिग्री टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। एसी हमने बिल्कुल लो कर रखा है, तब भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो चलते हैं हमारी गाड़ी में, जो कि अभी तक तो बहुत अच्छा हमें सपोर्ट दे रही है, कम्फर्टेबली कम्फर्टेबल राइड में हम निकल चुके हैं। तो मिलते हैं हमारे डेस्टिनेशन पे। आप मिश्री खा के घर से निकले हो, इसीलिए मक्खन जैसी गाड़ी चला रहे हो? मक्खन मक्खन मक्खन, मैंने क्या बोला? मक्खन मक्खन खा के आया है, इसलिए तो मक्खन मक्खन बार बार याद आ रहा है। और ये कैमरा एंगल कैसा लग रहा है, क्योंकि मैंने इसको फर्स्ट टाइम ट्राई किया ट्राइपॉड को हमारी कार में, तो बताना कैसा लग रहा है कमेंट करके अच्छे से। अभी तो मैं ट्रकों के बीच में से YCT खेल रहा हूँ ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि कब से यही हो रहा है, तीन लेन है रोड पर, तीनों में ट्रक चल रहे हैं, आदमी जाए तो कहाँ कैसे जाए। गाइस, पापा भी हमारे साथ है, ऐसा मैं सोच रहा कि पापा को कहाँ छोड़ दिया। पापा साथ में है लेकिन ये फ्रेम में नहीं आ रहे अभी, क्योंकि अभी मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करा हूँ, तो मुझे समझ नहीं आया कि इसको कौन से एंगल पे लगाऊं कि परफेक्टली आएगा। पापा भी हमारे साथ में ही, हाथ दिख रहा होगा तो नीचे कर लो, मम्मी नहीं दिख रही और मम्मा तो है ही, मम्मा तो ऐसे एंगल पे बैठती ना मतलब परफेक्ट उन्हीं पे आए सारा, मेरे से ज़्यादा वो मैं बना रही हूँ, मेरे से ज़्यादा ब्लॉग उन्हीं का ही लग रहा है हमको। रोड ट्रिप में मम्मा के नाम पे ब्लॉग बनते हैं हमेशा, क्योंकि मम्मा ही ऐसे एंगल पे बैठती है जहाँ पे ढंग से मतलब पूरा व्यू आता है।
और हम तो या तो कॉर्नर में होते हैं या फिर दिखाई नहीं देते, जैसा स्लिप में खड़े होते हैं क्रिकेट में खेल रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही ब्लॉगिंग जर्नी और ये जर्नी को आगे बढ़ाएगी। डिंगा डिंगा डिंगा। ये हमारे साथ फर्स्ट टाइम हो रहा है कि हम फास्ट टैग में इतनी लंबी लाइन में फंसे इतनी देर तक, वरना हर जगह अच्छे ही मिलता है टोल टैक्स, फटाफट निकल जाते हैं फास्ट टैग की वजह से, लेकिन हम पता नहीं क्या हो गया। चला आगे चला। गाइस दूसरों की थाली में घी और टोल टैक्स में दूसरी लाइन वालों को हमेशा ऐसा लगता है कि वो वाली लाइन जल्दी जा रही है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। गाइस हमारा फास्ट टैग बिल्कुल फास्ट काम कर रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं आती। पेटीएम वाला सही लगता है मेरे को, डायरेक्ट अकाउंट में से निकल जाते पैसे, मतलब पेटीएम वॉलेट से निकल जाते हैं और सही रहता है वो बहुत, कोई फालतू दिक्कत नहीं होती है। ना बैंक अकाउंट से लिंक कराना मेरे को थोड़ा रिस्की भी लगता है, किसी पे कोई भरोसा नहीं, आजकल बहुत ज़्यादा हैकिंग की हो रही है केसेस, तो अपन रिस्क भी नहीं लेंगे उस चीज़ का। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गाइज अभी हम आ चुके हैं जगतगुरु निम्बाचार्य, ये सलीमाबाद श्री जी महाराज के यहाँ पर, तो अभी युवराज जी से मिलना है, तो युवराज जी अभी यहाँ पर है नहीं, वो खुद जयपुर है, हम जयपुर से, हमें पता नहीं था, हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो अभी हम यहाँ मंदिर में आए और ये मतलब अब तक के जितने भी महाराज थे यहाँ पर उनका बनाया हुआ है, आपको अच्छे से दिखाता हूँ, ये देखो काफ़ी अच्छा है ये मंदिर। और ये जगत गुरु श्री निम्बाचार्य पीठ है, तो सबसे बड़ी जो होती है वो है, और ये यहाँ पर काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है ये, मतलब तो गाइस ये था जगतगुरु निम्बाचार्य, तो मंदिर में जाके आकर यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई में धीरे इसलिए बोला क्योंकि मंदिर वाली जगह ना, इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूँ, यहाँ पर पढ़ाई भी कराते हैं बच्चों को। ये देखो सामने ही बना हुआ है, सामने बना हुआ है पुस्तकालय है, और स्कूल क्लासेस भी यहीं चलती है, यहीं कहीं चलती है। लास्ट टाइम जो हम आए थे उधर वो जो गेट बना हुआ है वहाँ पर हमने उधर गए थे, वहाँ सारे हॉस्टल है, तो वहाँ हॉस्टल में गए थे, वहाँ सारे बच्चे खाना उधर ही से बनता है। गाइस मम्मा को देखो कितने सुंदर लग रहे हैं यहाँ पे, एक मैंने वीडियो भी बनाया, श्री राधे, पूरी खुद ही राधा लग रही है। चले अब लेट हो रहा है, आगे चलते हैं दोस्तों फटाफट से शूज़ पहनता हूँ और फिर आगे चलते हैं। A few moments later. तो गाइस हम निकल चुके हैं मंदिर से, क्योंकि महाराज थे नहीं तो हमें ज़्यादा वहाँ पे रुक सकते नहीं थे, क्योंकि हम उनसे मिलने आए थे तो थे नहीं। अब हम निकल रहे हैं नारेली, जो लोग नारेली जा चुके हैं उनको याद होगा कि नारेली का रात का व्यू बहुत अच्छा होता है, तो हम रात का व्यू देखने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने जो देखा था बचपन में वो दिन का था, और उससे पहले भी मैं स्कूल ट्रिप पे गया था तब भी वो दिन का ही था, तो रात का व्यू अभी तक बाकी है, तो मुझे भी देखना है, और उससे पहले अब थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाए, क्योंकि इतनी गर्मी में हम आए और अभी तक हम मतलब कुछ खाया ही नहीं है, खाना खा के निकले तो उसके बाद कुछ भी नहीं खाया, तो अभी हम पी रहे हैं गन्ने का जूस, क्योंकि मेरा तो फेवरेट ही है और गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है, तो फटाफट से गन्ने का जूस पीते और फिर हम निकलते हैं नारेली, और नारेली का व्यू आपको देखना बनता है, तो प्लीज़ आप जब तक ब्लॉग सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो कुछ अच्छा था कि अब तक क्या अच्छा लगा, और हमारा आ चुका है गन्ने का जूस। चीयर्स करते रुको 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 वन रुको इधर आ जाओ वन टू थ्री चीयर्स। तो गाइस गन्ने का जूस गर्मियों में इतना मतलब अभी क्या खुशी हो रही है ना, मैं बता नहीं सकता, इतना अच्छा लग रहा है। और अब पापा को भी मैं ब्लॉग में ऐड कर लूँगा, सामने से धूप आ रही है, और ये हमारे मम्मा तो है ही। गाइस हमने एक बार और ऑर्डर कर लिया।
गाइस अब तक मैं ट्राइपॉड का रिव्यू दे देता हूँ। अब तक हमने इसको यहाँ पर लगाया था, ये इस जगह लगाया था, यहाँ पर मैंने इसको लगाया था, तो अब तक का रिव्यू तो अच्छा है। ये बहुत स्टेबल था, मतलब इसकी जो क्वालिटी है पहले मैंने बोला था अच्छा है। तो किसी को लेना हो तो लास्ट वाला व्लॉग देख लेना, मैं लिंक ऊपर डाल दूंगा उसका, उसको देख लेना। और हमारे गन्ने का जो फिर से आ गया, एक बार और आ गया, हमने वापस मंगा लिया गन्ने का जूस। ये गन्ने का जूस गाँव चीयर्स करते हैं हम, चीयर। ये तो मतलब पीना बनता है, जो भी कोई आता है सलेमाबाद, यहाँ पर ये ऐसे तिराया है, टी पॉइंट है ये, यहाँ पर ये तीन चार थैले लगे यहाँ पर, मेरे हिसाब से सारे एक जैसे ही अच्छे अच्छे बनाते हैं ईमानदारी से, तो जरूर ट्राई करना कोई भी इधर आता है तो, ठीक है। बहुत टेस्टी है और बिल्कुल फेवर है ये, बिल्कुल अच्छा है, बहुत ओरिजिनल है। बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा ओरिजिनल खाया, वरना हर चीज़ में मिलावट होती है आजकल तो। और अब चले गए आगे, हम आपको क्या बोलना है, कब से आज कुछ बोला ही नहीं, दिमाग कूल हो गया एकदम उसको पी के, इतना अच्छा लगा, कूल कूल हो गया। और अपने आनंद आ गया भैया, आनंद आ गया भैया।